लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका सूर्या कोस्ट इन अटल डिसरिगार्ड टू द हाउस एंड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में चूक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बुधवार को लोकसभा में स्मोक केन से जो धुआं निकला उसने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर सियासी तपिश भी परवान चढ़ गई है। गुरुवार को संसद में विपक्षी दल के सांसदों ने जमकर बवाल काटा। सांसदों ने न केवल पकड़े गए आरोपियों बल्कि बीजेपी सांसद प्रताप सिंह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है और संसद में जवाब दो के नारे लगाए और गृह मंत्री के बयान की मांग। बहरहाल विपक्षी सांसदों को उनके मन माफिक जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उन पर लोकसभा स्पीकर ने कड़ा एक्शन जरूर ले लिया। हंगामा करने और चेयर का अपमान करने के आरोप में अब तक विपक्ष के 15 सांसदों को बाकी बचे शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। संसद से जिन 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें से 9 कांग्रेस, 2 सीपीएम, 2 डीएमके, 1 सीपीआई और 1 तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस के जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें टीएन प्रतापन, हीबी इडेन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद, वीके श्रीकंदन और मनिकम टैगोर शामिल हैं। इसके अलावा डीएमके पार्टी के एसआर पार्थिबन और कनिमोजी और सीपीएम पार्टी के पीआर नटराजन और एसआर प्रतिभन और सीपीआई पार्टी के सुब्रमण्यम और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को सत्र के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। औपचारिक तो गृह मंत्री को आना चाहिए और एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या ये क्यों हुआ, कैसे घटा। और सिक्योरिटी जो है, ये बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं ये 21वीं शताब्दी की एक मिसाल है, ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो ये कैसे उल्लंघन हुआ, ये कैसे। और एक और विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है, इस हादसे में, इस दुर्घटना में, मैं इसको दुर्घटना ही कहूँगा क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, बीजेपी सांसद मैसूरू के जो प्रताप सिम्हा की भूमिका निकल कर आई है उस पर बीजेपी बिल्कुल चुप है। बीजेपी कोशिश कर रही है ध्यान हटाने के लिए। सस्पेंड हुए सांसदों समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार पर जवाब न देने का आरोप लगाया है। बता दें कि संसद की इस घटना को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक भी हुई थी, जिसमें उन्होंने मांग रखी थी। बुधवार को संसद में हुई बेहद गंभीर और खतरनाक सुरक्षा चूक पर दोनों सदनों में गृह मंत्री विस्तृत बयान दें, उसके बाद इस पर चर्चा हो। साथ ही घुसपैठ करने वालों को विजिटर पास दिलवाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। बहरहाल विपक्ष की दोनों मांगे फिलहाल तो अधूरी रह गई और मोदी सरकार ने इन पूरी तरह से वैध और उचित मांगों को मानने से इनकार कर दिया और गुरुवार की लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।